जैसे आपको पता है बलियान की हल्की टूटी हुई है, पर टोटल लॉस हो चुका है, जितनी चीजें ली है सारी टूट गई है। तो मुझे ये बताओ कि अगर हम ये बाइक आज बुक करवाएं तो आप कब दे दोगे हमें? ब्लैक पसंद हमारी एक ही कलर, एक महीने के अंदर पूरे इंडिया में आपको एक महीने में गाड़ी दे दोगे। पक्का लिख लो ये रही अपनी BMW ब्लैक। कौन सी बाइक है भाई? ZX14। आप तो गाइस ये पूरी तैयार हो रही है। हाँ तो गाइस जैसे आपको बताइए, ये देखो कवासाकी ने लॉन्च की है 2024 मॉडल। तो गाइस पहले सुनने में आ रहा था कि जो ये कवासाकी वालों ने क्या किया था, डिस्कंटिन्यू कर दिया। क्यों? ऐसे रूमर्स थे कोई कभी हुई थी। तो गाइस ये देखो नया 2024 मॉडल आ गया गाइस। इसमें कोई इसमें और उसमें क्या फर्क है मुझे ये बता। कोई फर्क नहीं है। ब्लैक हमारा फेवरेट गाइस। तो मुझे ये बताओ कि अगर हम ये बाइक आज बुक करवाएं तो आप कब दे दोगे हमें? ब्लैक पसंद हमारी एक ही कलर, एक महीने के अंदर पूरे इंडिया में आपको एक महीने के अंदर गाड़ी देगा। पक्का लिख के दोगे? लिख के दो। तो गाइस सारे भाई जाके मुझे कमेंट करो कि मुझे ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। वैसे जैसे आपको पता 3-4 दिन पहले अलियान का क्रैश हुआ तो मेरा गाइस बाइक लेने का प्लान बिल्कुल कैंसिल हो गया। तो फिर गाइस आपके लिए फिर भी आपके लिए लेनी तो पड़ेगी, क्योंकि अगर इनके साथ ब्लॉग करना है तो फिर बाइक लेना जरूरी है। तो गाइस सारे भाई मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो बाकी 2023 में और इसमें कोई फर्क तो है नहीं। तो ये बुक्ड है ऑलरेडी? ओके ओके। तो गाइस सारे भाई मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ये गाइस हम जा रहे हैं, अभी कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं 14R देखने गाइस। कौन सी बाइक है भाई? ZX14R। तो गाइस ये पूरी तैयार हो रही है। देखो गाइस इसकी बड़ी बुरी हालत थी यार, क्या पूरी ठीक कर दी। गंदी हालत थी ये देखो, इसके ऊपर नाटो ग्रे पेंट किया हुआ है। तो तो कितना खर्चा होगा टोटल इस पे? इसके ऊपर हो गया 6.5 लाख। 6.5 लाख। तो इससे पावर बढ़िया है? 14 CC है। उससे 10R से ज्यादा हो रहा है? नहीं यार। तो गाइस देखो बाइक साहब मुझे बताना कमेंट करके कि कैसी बाइक लग रही है। गाइस इसका सामने से मुंह देखो, पूरी हायाबुसा की लुक दे दी है ना। तो गाइस अभी इसका इंजन का काम चल रहा है, तो जिस दिन ये तैयार होगी तो हम इसकी टेस्ट ड्राइव लेंगे और आपको बताएंगे सबको कि कैसी बाइक है। गाइस ये जम्मू में पहली एक ही बाइक है जो है, जो ये फील्ड बाइक तैयार कर रहे हैं। आपको बता पूरे दिन हम KTM में रहे, तो ये देखो अब जा रहे हैं हम KTM से घर। तो गाइस ब्लॉग वगैरह डाल दिया मैंने, तो अलियाने ब्लॉग डालना, चलते जल्दी जल्दी घर। तो मिलते हैं जाके आपको आगे। The next day. Hey guys, welcome back to यासर चौधरी ब्लॉग। तो गाइस आज का जो ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं लेट ही कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता आज था फ्राइडे, तो आपको पता नमाज वगैरह पढ़नी होती है। तो अपने साथ आ गए अपने अलियान भाई। हेलो गाइस। हेलो गाइस। यार गाइस कल की जो मैंने वीडियो डाली गाइस, मेरी वीडियो इतनी चल रही थी ना जैसे इसकी वीडियो आई मेरी वीडियो वो क्या चक्कर पता नहीं भाई, मेरी तो चल नहीं रही है। आप तेरी चल नहीं रही, चल। तो गाइस जैसे आपको पता है अपनी वो अलियान की हल्की भी टूटी हुई है, तो आज हम जा रहे हैं सीधा KTM। तो लेके आएंगे कौन सी? मैं टोटल लॉस हो चुका हूं गाइस। क्या हो गया? मैं टोटल लॉस हो चुका हूं, जितनी चीजें ली है सारी टूट गई यार। नहीं नहीं, लाइफ में अप एंड डाउन होते रहते हैं, सब ठीक होगा। जो भी होता है भाई अच्छे के लिए होते हैं, हमारे घर वाले बोलते हैं ना। कुछ अच्छा नहीं है भाई। होगा भाई, होगा। क्या बताएं, इसके पीछे भी कुछ मेरा अल्लाह ने कुछ अच्छा सोचा हो। तो गाइस अब चलते हैं सीधा हम KTM, तो लेते हैं अपनी बाइक की डिलीवरी, जो कि 4 महीने से गाइस टोटल लॉस पड़ी हुई है। तो गाइस चलते हैं सीधा KTM, तो मिलते हैं आपको वहां जाके। गाइस हम पहुंच चुके हैं KTM के सर्विस सेंटर। तो ये देखो, तो जैसे आपको पता आज अलियान की जो अपनी KTM RC 300 है, तो इसकी आज डिलीवरी, तो पता नहीं देंगे भी या नहीं। तो गाइस जो KTM वाले हैं ये बहुत क्या बोलो इनको। तो वैसे गाइस ठीक तो हो चुकी है पूरी। तो गाइस अब चलते हैं अंदर, तो देखते हैं कि बाइक मिलती है कि नहीं। आज तो दे रहे हो ना भाई? ठीक है, जैसे चलती थी पहले गाइस। बाकी तो न्यू गाड़ी है यार, अभी तो उसको कुछ इशू आना नहीं चाहिए ऐसा। तो देखते हैं चला के भी देखता हूं मैं। 40,000 इसकी इस पर दे रहे हैं भाई यार। प्लास्टिक के ऊपर इन्होंने 50% दिया है। क्यों दिया प्लास्टिक के ऊपर 50 यार, जब जब पॉलिसी भैया नहीं, प्लास्टिक के ऊपर 50-50 दिया है। ऐसा क्यों? मेटल के ऊपर 90% वो दे रहे हैं और 10% आप दे रहे हो। नहीं मतलब 50-50 क्यों किया प्लास्टिक? आपको पता है मेन चीज नहीं प्लास्टिक की है। थर्ड ईयर ये इसका तो ये नई गाड़ी है, आपको पता है इसका वो बंपर है, उसके
जो के क्या बोलते हैं 95 का जो क्लेम होता है ना, दैट इज ओनली वैलिड फॉर 2 क्लेम्स अ ईयर पॉलिसी पे लिखा है, एक साल में 2। ये मुझे भी नहीं पता भाई, मेरे को टोटल लॉस थोड़ी ना लिया उससे, देख मैं भैया दिखाना पॉलिसी, वो तो नॉर्मल वाला क्लेम है ना, छोटे छोटे क्लेम्स नहीं होते। गाइस जैसे आपको पता है वो ही अलियान का थर्ड क्लेम है, तो अंदर काफ़ी ज़्यादा लड़ाई लगी हुई है, तो टोटल का कोई एस्टिमेट बना हुआ कोई 130 के आसपास, तो वो कह रहे हैं कि 40,000 अलियान को देना पड़ेगा, तो वही अंदर कोई लड़ाई वड़ाई लगी हुई है। तो तब तक मैंने सोचा कि बाइक की चलो टेस्ट ड्राइव लेते हैं, क्योंकि बाइक पूरी टोटल लॉस थी और पूरी बाइक तैयार हुई है, तो गाइस लेते हैं बाइक की एक टेस्ट ड्राइव, तो देखते हैं कि बाइक कैसी चल रही है कैसी नहीं। तो फाइनली गाइस हम इसकी टेस्ट ड्राइव लेने जा रहे हैं, देखते हैं कि बाइक कैसी चल रही है। सो गाइस ये चेक करो भाई, वहाँ से आ रहा है यासर भाई अपनी KTM RC 390 पे, ABS ऑफ होके। भाई क्या लग रही है अपनी बाइक, लगभग 6 महीने के बाद मिली है अपनी बाइक, देख रहे हो बिल्कुल फ्रेश है भाई, बिल्कुल फ्रेश देख रहे हो, बाइक बिल्कुल नई जैसी हो चुकी है, बस खाली ना पावर कट कर रही है दूसरे गियर के बाद, तेल कम होगा शायद, बाकी तेल कम होगा। बताओ कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया भाई, जैसे आपको बड़े दिनों के बाद जो अलियान की आरसी थी 390 वो मिल चुकी है। तो गाइस आपको पता ही है हम श्रीनगर जब ट्रिप पे गए थे एक साथ, तो हम पहले आ गए थे, पीछे था अलियान का बहुत जो खतरनाक क्रैश हो गया था। तो गाइस अब 5 महीने के बाद आज बाइक मिल गई है, तो गाइस अब वो गया है सित्रा एक राइड लेने, तो गाइस मैं जा रहा हूँ उसकी बीमर लेने। जैसे आपको पता है बीमर की हो रही थी सर्विस, तो एक दो दिन से BMW लगी है सर्विस पे, तो गाइस मैं जा रहा हूँ वहाँ लेने, तो गाइस मिलते हैं आपको सीधा BMW में जाके। 2000 years later फाइनली गाइस ये रही अपनी BMW ब्लैक बीस, तो गाइस इसकी भी सर्विस वगैरह हो गई है पूरी डन। तो आज बड़े दिनों के बाद हम अपनी गाड़ी को देख रहे हैं, तो गाइस अब चलते हैं गाड़ी में बैठ कर, देखते हैं कि गाड़ी की जो सर्विस है क्या क्या काम हुआ गाड़ी में, तो दिखाते हैं आपको। तो हमने लगा दी अपनी बीमर अपनी पार्किंग में, तो यहाँ मिल गए अपने भाई, तो पहले भाई से पूछते हैं भाई क्या हाल है, ठीक है, क्या बोल रहे थे आप, क्या बोल रहे थे आप गाड़ी के बारे में? गाड़ी का नंबर लेना था नागनी, उसका क्या मतलब? उसका वो सिद्धू भाई का गाना ना भाई, वो वाला कौन सा, शीशे पूरे काले थे, नंबर नागनी नहीं यार, एरिया दे बीच मस्टैंग को मदी, बस बस लगा देंगे अब, अगली मस्टैंग लेंगे ना उसको ये लगाएंगे।